हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज मैं इस वीडियो में एक वेबसाइट के बारे में डिस्कस करूंगा। उस वेबसाइट के थ्रू आप बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में ले सकते हैं, चाहे वो आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई अदर थिंग्स हो। मैं इस वीडियो में मोस्टली डिस्कस करूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि उस वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। आप चाहें तो वीडियो के फॉर्म में और जो है उसका एक्सेस ले सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी एक सीक्वेंस में। तो चलिए बिना किसी देरी के उस वेबसाइट पर चलते हैं। पहले तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो वेबसाइट पर सबसे पहले आपको करना है साइनअप। साइनअप करने के लिए सिर्फ एक बटन है साइनअप का, उस पर क्लिक करिएगा। अपना कोई एक यूजर नेम दे दीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं देता हूँ अपना यूजर नेम संजय चौधरी। उसके बाद अपना जीमेल आईडी दे दूंगा, जीमेल आईडी में लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा। इसके बाद मैं इसको क्रिएट करता हूं, ठीक है। इतना आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आई एम ह्यूमन, इस पर आपको क्लिक करना होगा सिंपली। ओके, तो मैंने जो है साइन अप कर लिया है। अब मैं करता हूं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको अपना जीमेल आईडी और यहां पर पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके पहले जब आपने साइन अप किया होगा तो आपके मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन जाता कि आप एक ह्यूमन है, आप कोई रोबोट नहीं है, उसको वेरीफाई करना होता। करने के बाद आपका एक्सेस मिल जाता है। तो सिंपली आप वेरीफाई करने के बाद यहां पर आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं पहले। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको आना है, अपने जो है ट्रैक्स में जाएंगे। तो ट्रैक्स में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम शो करेंगे बहुत से, जैसे कि AVAP हो गया, AWK, बैस, C#, C++। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, D हो गया, डेल्फी पास्कल हो गया। इसके अलावा आपको F# हो गया, गो हो गया, लाइन हो गया, जावा हो गया। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर दी है। जो भी लैंग्वेज आपको सीखना है उस लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। साथ में हर एक लैंग्वेज की एक्सरसाइज दी गई है एंड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत फेमस है आजकल पाइथन, मैं पाइथन पे क्लिक करूं अगर तो पाइथन में 137 एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है। और पाइथन के 14 कॉन्सेप्ट को इसमें एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। और कोड जो इसमें होगा, कोड ऑटोमेटिकली एनालिसिस किया जाता है इसमें। और आप इसमें पर्सनल मेंटोरिंग भी पा सकते हैं, ये कंप्लीटली 100% फ्री है। अब पर्सनल मेंटोरिंग के लिए क्या है, जब आप कमेंट करते हैं तो वहां पर कोई और भी व्यक्ति है जो कि आपके कमेंट का आंसर देता है कमेंट के फॉर्म में ही। तो उस तरह से आपका पर्सनल मेंटोरिंग हो जाती है, कोई एक बंदा बैठा नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी इतना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले रहे हैं। तो बात करता हूँ मैं की फीचर्स का, जो कि पाइथन में अवेलेबल है। जो पाइथन बता रहा हूँ ऐसे ही लगभग सारे लैंग्वेज में की फीचर्स हैं। तो मैं पाइथन बहुत फेमस है तो पाइथन के बारे में बता रहा हूँ। तो बैटरी लाइफ, जब भी आप कोई भी ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि कम से कम बैटरी का कंजप्शन हो। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखी गई हैं। उसके लिए क्या क्या पैकेज यूज करने हैं इसमें बताया गया है। इसके अलावा ये काफ़ी ही फ्रेंडली है, काफ़ी ही इजी है यूज करने के लिए। इसके अलावा कोड ऐसे बताया गया कि काफ़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप डायनेमिक वेबसाइट या ऐप बना सकें, ठीक है। इसके अलावा मल्टी पैराडिग्म का इसमें इस्तेमाल होगा, जैसे कि उप्स के कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड एस्पेक्ट ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा और आप एक्सटेंसिबल होंगे, इसका मतलब होगा नीड टू कॉल फोरटेन फ्रॉम ए वेब API। किसी वेब API का इस्तेमाल करते हुए आप फोरटेन को कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये की फीचर्स हो गए। इसके अलावा कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरह से कवर किए जाएंगे, पहले बेसिक्स होंगे, बेसिक्स के बाद नंबर्स होंगे, फिर इफ स्टेटमेंट होगा, बूलियन वैल्यूज होंगे, उस पर क्वेश्चन होंगे, फिर स्ट्रिंग पे क्वेश्चन होंगे, नल एबिलिटी पे होगा, इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट पे होंगे, व्हाइल लूप्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हैं, फिर डू व्हाइल्स पे होंगे। इसके बाद जो है रैंडमनेस पे है, एंड मैं एक बार और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा इसमें। अगर आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, नंबर के बिहाव पे लगभग आई थिंक 3617 क्वेश्चन है, बोल्स के बिहाव पे 3 क्वेश्चन है। इसी तरह कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंडीशनल्स, उसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रिंग पे होंगे, कंपेरिजन पे होंगे, लिस्ट बेस्ड होंगे, मैथड्स बहुत सारे होंगे स्ट्रिंग के। इसके अलावा आप लूप तो पढ़ेंगे ही, टपल्स भी पढ़ेंगे आप इसमें। ये सारी चीज़ें आपको क्लास हो गया, सेट्स हो गए, अनपैकिंग एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे इस फ्री रिसोर्स के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप इसका इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। जरूरी यही नहीं है कि आप जो है सिर्फ पाइथन के लिए इस्तेमाल करें, आप जो भी चाहें जिसके लिए चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें डिटेलिंग में जाएंगे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि एक्सरसाइज में जाइए, फिर बिल्ड में जाइए,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बाकायदा सही तरीके से। अगर कोई व्यक्ति है जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो 71 एक्सरसाइज दिया गया है, 71 एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हैं, वो भी पर्सनली मेंटोरिंग इसमें मिलेगी, 100% फ्री होने वाला ये भी। तो कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको एक यूजफुल चीज़ मिला होगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करिए कि हमारे लिए यूजफुल है, ऐसे ही कंटेंट में और आपके साथ रखूँ आपके सामने। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।